तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से हमारे अलसी फ्लेक्स या जवस के लड्डू बनके तैयार हो चुके, जो खाने में काफ़ी पौष्टिक है और इम्यूनिटी बूस्टर है। किसी भी आने वाले मौसम में, जब भी वातावरण चेंज होता है या नया सीज़न आता है, उस समय आप इन लड्डू का यूज़ करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को अधिक बढ़ा सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और नेचुरल ऑयल भी मिलता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार तो लगेंगे ही, साथ ही ये काफ़ी पौष्टिक भी है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो हमारी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है और जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो उस सीज़न की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को भी कम कर सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी तरह की एक रेसिपी जो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ आज, तो इस रेसिपी का नाम है अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू के लिए जो हमने अन्य इन्ग्रीडियंट लिए हुए हैं, उस इन्ग्रीडियंट का भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी बेनिफिट है, तो वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी। अब फ्रेंड हम इंग्रेडिएंट देख लेंगे इस रेसिपी के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा अलसी है, जिसे एक बॉल लिया हुआ है मैंने, जो 200 ग्राम के करीब होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है, ये गुड़ एक बॉल है, ये भी करीब 200 ग्राम के करीब होगा। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट या ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। हमको पानी लगने वाला है, साथ ही हमको क्लेरिफाइड बटर या घी लगने वाला है। यहाँ पर तिल ली है जो कि 3 टेबलस्पून के करीब है। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, तो ये मगज भी हैं। मगज भी जो होते हैं वो हमारी ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह से बादाम भी हमारे लिए बहुत सारी लाभदायक गुण रखती है। और यहाँ पर मैंने चारोली के दाने लिए हैं और पिस्ते के कुछ 6 से 8 तक मैंने दाने लिए हैं। तो इनको मैंने बादाम और पिस्तों को इस तरह से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चिरौंजी दाने लिए हुए हैं जो कि ऑप्शनल है, तो वो आप अगर चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 5 इलायची और 1 टेबलस्पून शक्कर ली है और इसको मैंने मिक्सर में से बारीक कर लिया है, जिससे मतलब इलायची अच्छी तरह से पीसी जाती है और बारीक हो जाती है। यहाँ पर मैंने मुलेठी का पाउडर लिया है जो 1 टेबलस्पून के करीब है। तो मुलेठी का पाउडर और दालचीनी जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद इस तरह से है कि दालचीनी की वजह से जो होता है हमारा खून पतला होता है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी सारी मदद करता है। इसी तरह से मैंने मुलेठी और सूंठ पाउडर लिया हुआ है। मुलेठी जो हमारे गले के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, साथ ही सूंठ पाउडर भी हमारे थ्रोट इन्फेक्शन से बचाता है, या सर्दियों के दिनों में या बारिश के दिनों में जो हमको गले संबंधी बीमारियां होती है उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम रेसिपी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर गैस ऑन कर लेनी है। और पैन ऐड कर दूंगी और मैंने यहाँ पर जो अलसी ली है उसे ऐड कर देना है और इसे स्प्लिट होने तक भूनना है अच्छी तरह से। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। बस 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से स्प्लिट हो जाइए। स्प्लिट हो जाएंगे अलसी के बीज तो क्या होगा, इससे ये मिक्सर पॉट में से बहुत जल्दी से घुमाए जा सकते हैं, तो ये अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। इसे मैं निकाल लूँगी। ये अलसी हमने भून ली है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर तिल ऐड कर देने वाली हूँ, उसको भी हम भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है चीज़ें। ये भी भुनी जा चुकी है। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उन ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे।
इसे भी निकाल लूँगी मैं। गैस ऑफ कर देंगे और अलसी की जो सीड्स लिए हुए हैं यहाँ पर हमने, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसे मैं बारीक कर लूँगी। ओमेगा थ्री फैटी एसिड होने की वजह से या हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने की वजह से अलसी का यूज़ हमें चटनी या लड्डू या और भी किसी तरह से करते आए तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा हार्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है और कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण भी हमारा नियंत्रित रखा जा सकता है। फ्रेंड, ये अलसी का अच्छे से पाउडर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, गैस ऑन कर लेंगे हम। ये गैस ऑन कर लिया है और यहाँ पर मुझे गुड़ ऐड कर देना है। इस गुड़ में मैं 1 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। 1 और ये 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है मैंने। पानी ऐड करने से क्या होगा, ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और जो घी हम ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून, इससे क्या होगा कि ये जल्दी से गाढ़ा नहीं होगा और लड्डू भी हमारे मुलायम बनेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से पतला कर लेंगे जिससे इसकी सारी गुठलियाँ जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। ये यहाँ पर रेसिपी में मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया हुआ है। ऑर्गेनिक गुड़ ये बहुत अधिक पौष्टिक होता है। शुगर जो होती है वो साइंटिफिकली प्रमाणित है कि वो हम उसे पचा नहीं सकते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुड़ बहुत अधिक पौष्टिक होता है और ठंड के दिन जो होते हैं, ठंड के दिनों में गुड़ को खाने से हमारे शरीर में हम उष्णता भी बढ़ा सकते हैं और जो ठंड से संबंधित बीमारियां हैं उसे भी कम कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा करके रेसिपीज़ में सर्दियों के दिनों वाली गुड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। ये अच्छी तरह से मेल्ट होने की वजह से हम यहाँ पर जो अलसी का पाउडर तैयार करके रखा है हमने उसे मिक्स कर देंगे। ये मैंने सारा ही अलसी का पाउडर मिक्स कर दिया है यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से मैं मिला दूँगी। गैस ऑफ कर दी है मैंने। तो फ्रेंड देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, यानी गुनगुना होने तक हमें इसे ठंडा कर लेना है। आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको बाद में। फ्रेंड, ये हमारी सामग्री गुनगुनी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर तिल मिक्स कर देंगे, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे और जितने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने जो इलायची, सूंठ पाउडर और मुलेठी पाउडर या ज्येष्ठ मध लिया है उसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिरौंजी दाने भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ये सामग्री मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। आपको लड्डू जिस शेप के चाहिए उस शेप के बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस शेप के छोटे नींबू के शेप के लड्डू यहाँ पर तैयार कर लूँगी। अगर आपको लगे कि ये हमारा जो सामग्री है वो कड़क हो रही है तो आप थोड़ा सा इसे गर्म कर सकते हैं तो फिर से ये नरम टेक्सचर में आ जाएगा और आप लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू बनने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे अलसी के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। मैं बताऊँगी आपको अंदर से किस तरह से, ये देखिए एकदम मुलायम है और आसानी से टूट रहे हैं और ये खाने में तो पौष्टिक है ही। ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमारे अलसी फ्लेक्स या
जवस के लड्डू बनके तैयार हो चुके, जो खाने में काफ़ी पौष्टिक है और इम्यूनिटी बूस्टर है। किसी भी आने वाले मौसम में जब भी वातावरण चेंज होता है या नया सीज़न आता है, उस समय आप इन लड्डुओं का यूज़ करेंगे तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को अधिक बढ़ा सकते हैं। इसमें जो इन्ग्रीडियंट हमने यूज़ किए हैं वह हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और नेचुरल ऑयल भी मिलता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार तो लगेंगे ही, साथ ही ये काफ़ी पौष्टिक भी है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले